हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो इस तरह के हम लोग मॉक टेस्ट अभी तक 12 खत्म कर चुके हैं। ये आपका 13वां मॉक टेस्ट है, ठीक है। याद रखिए, अगर आप लोगों ने सामान्य ज्ञान को, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को अच्छे से नहीं पढ़ा है डिटेल के साथ, तो उसे पहले पढ़ लीजिए। अगर आप लोग उसे पढ़कर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से फायदा होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों ने भी आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया हुआ है। तो सुपर फास्ट के नाम से, जो सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है, इसमें 17 घंटे का करीब आपका लेक्चर डला हुआ है। एक ही लेक्चर है 17 घंटे का, उसमें पूरा आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया गया है, वो बहुत अच्छे से किया गया है। उससे बाहर आपका लगभग लगभग कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग 13वां टेस्ट का पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से असत कथन का चयन करें। जो नीचे आपके कथन दिए गए, इनमें हमें गलत कथन का चयन करना है। मध्य प्रदेश में साल बीज का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1975 में किया गया था, सही है। मध्य प्रदेश के खंडवा खरगोन को सफ़ेद सोना क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए सामाजिक वन की योजना वर्ष 1976 में से चलाई जा रही है, सही है। मध्य प्रदेश में 5 वन राज्य महाविद्यालय, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा, डी डी ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो इसमें होगा आपका होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1974 में। तीसरे में क्या होगा आपका, सी चार, मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यगत हुआ है? तो इसमें होगा आपका ए धार। चार में क्या होगा, ए पांच, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना हुई कब हुई? ए हुई थी आपकी 1987 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बी होगा। छठवां क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका 94,689 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, इस तरह की रिपोर्ट अपडेट होती रहती हैं, तो आप करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए इस तरह की आंकड़ों के लिए, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो छठवें में आपका ए। सातवां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वन वृत्त है, सबसे बड़ा वन वृत्त है, तो ये आपका खंडवा। सात में आपका बी। आठ, झाड़ी वनों का प्रतिशत है 2.07%। आठ में आपका सी। नौ,
राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में है? राज्य में सर्वाधिक वन आपके बालाघाट में है। 9 में आपका ए, 10। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। ग्यारह, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। ग्यारह में आपका ए, 12। मध्य प्रदेश का लगभग कितना भाग वनाच्छादित है? तो इसमें एक तिहाई। कितना? एक तिहाई। 12 में आपका बी। तेरह, क्वेश्चन है आपका, अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत वन क्षेत्र राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये आपका लगभग 11.4%। 13 में आपका बी। 14, राज्य में संरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? राज्य में संरक्षित वन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 31,098, 31,098 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका बी होगा। पंद्रह, राज्य में खुले वनों का कितना प्रतिशत भाग है? मध्य प्रदेश राज्य में खुले वनों का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसमें आपका 11.70%। 16, भिलावा मुख्यतः किस क्षेत्र की वनोपज है? भिलावा मुख्यतः किस क्षेत्र की वन उपज है? ये आपकी छिंदवाड़ा की है। सोलह में आपका बी। 17, मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोगी है? मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोगी है बेस्ट बैंक आपका। 17 में बी। 18, मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? भोपाल में। 18 में आपका सी। 19, मध्य प्रदेश में पहला राजकीय वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका बालाघाट में। 19 में क्या होगा? सी। 20, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्यमंत्री सीएम। 20 में आपका ए। 21, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में कब की गई? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में 1982 में की गई थी। 21 में आपका बी। 22, 1980 में दूसरा वन महाविद्यालय स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में? ये आपका बैतूल में हुआ था।
22 में आपका बी 23। वन औषधि के विपणन के लिए वन औषधि प्रोत्साहन हेतु कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो ये आपकी संजीवनी है। 23 में आपका सी होगा। तो चलिए, ये था आपका 13वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग 14वां टेस्ट आपका देखेंगे।